गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बिहाइव्स का पोएम पढ़ेंगे, पोएम नंबर 6, नो मैन आर फॉरेन। यानी कोई भी मनुष्य जो है वो फॉरेन का नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति मनुष्य विदेशी नहीं है। पहले अबाउट द चैप्टर में पढ़ेंगे, हैव यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे बीहाइव्स की, नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी मनुष्य जो है वह विदेशी नहीं है। रिटन बाय जेम्स किरकप। अबाउट द चैप्टर, अबाउट द पोएम, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल आर स्ट्रेंज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सम पीपल जो होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, स्ट्रेंज होती हैं, बिल्कुल अजनबी से और अजीब होती हैं, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, और या फिर अदर कंट्रीज यानी दूसरे देशों के जो लोग होते हैं, जो कि फॉरेनर्स होते हैं, जो कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति होती हैं, क्या वो सभी अजीब होते हैं? ऐसा क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? वी हैव मैनी वेज टू थिंक ऑफ अदर पीपल्स एज डिफरेंट फ्रॉम एस एज देम। तो पोइट ये कहता है कि वी हैव मैनी वेज टू थिंक ऑफ द पीपल, तो हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं, मैनी वेज हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं कि हम ये सोच सकते हैं कि हमारे से वो मैनी पीपल्स जो हैं वो किस प्रकार से डिफरेंट हैं, कि वो बहुत से ऐसे लोग जो कि हमारे से बहुत अधिक भिन्न हैं और अलग हैं, और एज देम, और जैसे कि उनको, दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और दे मे बिलोंग, और भी संबंधित हो सकते हैं, वो कैसे डिफरेंट कंट्री या विभिन्न देश से हो सकते हैं, संबंध रखने वाले हो सकते हैं, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। इन दिस पोएम हाउ यूअर द पोइट जेम्स किरकप रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। तो इसमें पोइट हमें जेम्स किरकप यही कहती हैं, और वो हमें रिमाइंड कराती हैं, वो हमें याद दिलाती हैं कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिस प्रकार जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि वी आर ऑल द सेम, हम सभी समान हैं, चाहे हम फॉरेन में रहते हों, चाहे हम इंडिया में रहते हों, चाहे हम कौन किसी भी कंट्री में हम रहते हों, वी आर ऑल द सेम, हम सभी सेम हैं, हम सभी समान हैं, फॉर वी आर ऑल ह्यूमेन, क्योंकि हम सभी मानव प्राणी हैं, हम सभी मनुष्य हैं। तो आइए हम चैप्टर को, हम पोएम को, स्टेंजा को रीड करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीद। पोइट ये कहता है कि ब्रीद, रिमेंबर करें, हमेशा याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अलाइन होना, बिल्कुल अजनबी होना, जिसको कि हमारे द्वारा कभी जाना न गया हो, जिसको हम कभी नहीं जानते हैं। तो पोइट हमें यह कहता है कि हम सदैव यह ध्यान रखें कि हमारे लिए कोई भी मैन जो है वो स्ट्रेंज और अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्री और कोई भी देश जो है वो हमारे लिए विदेश नहीं है, वो हमारे लिए पराया देश और विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, बीनीथ मने अंडर, और यूनिफॉर्म मने ड्रेसेस, ए सिंगल बॉडी ब्रीद, जिस उन सभी मनुष्यों की बॉडी जो है बिल्कुल सिंगल है, सेम वही है ब्रीद, और वो हमारी ही तरह ब्रीद करती हैं, हमारी ही तरह श्वास लेती हैं। कैसे? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, यानी समान, एक ही समान उस यूनिफॉर्म में रह करके, ठीक हमारी ही तरह है वो, उसी एक ही शरीर में, जो कि एक ही, एक अकेला व्यक्ति जो होता है, जो कि शरीर में हम सांस लेते हैं, वो ठीक हमारे उसी तरीके से हैं, तो हम सभी एक हैं। लाइक अवर्स, बिल्कुल हमारी ही तरह है, द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल से लाई। तो कवि पोइट ये कहते हैं कि लाइक अवर्स, ठीक हमारी ही तरह है, द लैंड अवर ब्रदर्स, वो लैंड, वो भूमि, वो जमीन,
जहाँ पर कि अवर ब्रदर वो कपोन, जहाँ पर कि हमारे ब्रदर्स जो हैं, हमारे भाई लोग जो हैं, वो उस पर चलते हैं। और इस अर्थ लाइक दिस, वह अर्थ, वह पृथ्वी भी, वह अर्थ भी उस अर्थ की तरह है जिस पर कि फॉरेनर चलती है, फॉरेन में रहने वाले लोग चलते हैं, वह अर्थ भी, वह पृथ्वी भी लाइक दिस, इसकी तरह ही, वह हमारी जिस अर्थ पे हम रहती हैं, वो उस अर्थ के समान ही वह भी पृथ्वी है जिस पर कि फॉरेन लोग रहते हैं। इन विच वी ऑल से लाई, क्यों? क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम सभी रहती हैं, एक दिन उस पृथ्वी पर हम सभी को मरना है। स्टेंजा सेकंड पढ़ेंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यानी वो व्यक्ति जो कि फॉरेन में रहती हैं, दे टू यानी वो भी अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, अवेयर माने पूर्ण रूप से कॉन्शियस होना, पहले से ही वो नोन होते हैं उसके बारे में, तो वो व्यक्ति भी क्या होती हैं, सन एयर और वाटर के प्रति पहले से ही बहुत अधिक अवेयर, कॉन्शियस और सचेत होते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वोर्स लॉन्ग विंटर स्टाउट, आर फेड जिनका की फेड मीन्स ब्रोटअप किया जाना, उनका पालन पोषण किया जाना, पीसफुल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स यहाँ पे हो गया क्रॉप्स, और पीसफुल मैंने शांतिपूर्वक, यानी शांतिपूर्वक जो फसलों के द्वारा उन लोगों के द्वारा भी पोषण किया जाता है, यानी शांतिपूर्वक जो फसल उगाई जाती है, उन शांतिपूर्वक उगाई जाने वाली फसलों के माध्यम से भी वो फॉरेन में रहने वाले व्यक्ति भी अपना उस खाद्य पदार्थों को खा करके अपना पालन पोषण करते हैं। बाय वोर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और वो भी कैसे, बहुत अधिक लॉन्ग विंटर यानी लंबी सर्दियों की अवधि के दौरान स्टार्व्ड, स्टार्व्ड माने हंग्री यानी भूखा रह करके, उस लंबी सर्दियों के दिनों में, लंबी अवधि में, सर्दियों के दिनों में वो भूखे रह करके, युद्ध के उस अवधि के समय में भी वो इतने लंबे समय तक भूखे रहते हैं। Their hands are ours and in their lines we read, उनके hands जो होती हैं, their hands are ours, उनके hands जो होते हैं like ours, यानी हमारे हाथों के भांति ही उन foreign में रहने वाले व्यक्तियों के हाथ भी हमारे जैसे ही होते हैं। And in their lines we read, और उनके हाथों में, उनके hands में जो लाइनें बनी हुई होती हैं, जिनको कि हमारे द्वारा पढ़ा जाता है, हम पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल हमारे जैसे ही होती हैं। A labor no different from our own, labor different, labor means hard work करने वाले वो व्यक्ति, are not different, जो कि हमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं होती हैं, from our own, हमारे स्वयं से वो अलग और भिन्न नहीं होते हैं। Remember they have eyes like ours that awake or sleep and strength that can be won. Remember, poet ये कहता है कि ध्यान रखें, they have eyes, उनकी eyes जो होती हैं like ours, बिल्कुल हमारे भांति ही, हमारी ही तरह उनकी भी eyes, उनकी भी आँखें ठीक वैसी ही होती हैं। देट अवेक और स्लीप, जो कि अवेक होती हैं, अवेक माने जागती हैं, और स्लीप और सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ देट कैन बी वन, स्ट्रेंथ कैन देट बी वन, वन माने कॉन्कर किया जाना, विजय हासिल करना, जीतना, और स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है, पावर, तो उनकी पावर, उनकी शक्ति जो होती हैं वो बिल्कुल हमारी ही तरह होती हैं, और जिसको हम वन कर सकते हैं बाय लव, लव मीन्स प्रेम और प्यार के माध्यम से जिसे जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यानी इन एवरी लैंड, वह चाहे लैंड कहीं की हो, कंट्री की हो, फॉरेन की हो, वह कहीं पर की लैंड हो, कहीं पर की ज़मीन वह भूमि हो, लेकिन वह बिल्कुल क्या होती है, कॉमन लाइफ, वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन होता है, वह बिल्कुल सामान्य जीवन होता है।
दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको कि रिकॉग्नाइज माने आइडेंटिफाई किया जाना, पहचाना जाना, और अंडरस्टैंड माने समझा जाना। तो वो सभी व्यक्ति जो कि इस लैंड पे रहते हैं, चाहे वो कंट्री के किसी भी कंट्री के हों, चाहे वे फॉरेन के हों, वो सभी समान व्यक्ति होती हैं, समान ही ज़िंदगी को जीती हैं, और उनको उनको सेम एक ही पहचान के माध्यम से उनको पहचाना जाता है एंड अंडरस्टैंड, और उन्हें समझा जाता है। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्स दैट वी सील दैट वी सेल डिस्पजेस बीट्रे और कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो पोएट हमें ये कहते हैं लेट अस रिमेंबर, तो हम सदैव, आइए हम सभी सदैव यह याद रखें कि वेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमसे यह कहा जाता है कि टू हीट अवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से क्या करें, हेट करें, उनसे घृणा करें, उनसे नफरत करें, तो हमें याद रखना चाहिए इट इज़ आवर सेल्स, वे हमारे स्वयं अपने ही हैं। देट वी सेल डिस्पजेस, डिस्पजेस मन कर, डिस्पजेस मीन्स अबेंडन करना, त्याग और त्याग कर दिया जाना, उन्हें हमारे द्वारा अपनाया न जाना। देट वी सेल डिस्पजेस, जिसको कि हमारे द्वारा उन भाइयों को त्याग दिया जाता है, जिनको अपनाया हमारे द्वारा अपनाया नहीं जाता है। बीट्री, बीटे मने उनके साथ चिटिंग किया जाना, उनको धोखा दिया जाना, जिनको हमारे द्वारा धोखा दिया जाता है। ओ कंडेम मीन्स हमारे द्वारा दंड दिया जाना। तो वो सभी व्यक्ति जो कि हमारे सभी भाई हैं, जिनके द्वारा हमारे द्वारा जिनके द्वारा निंदा की जाती है हमारे द्वारा, जिनको धोखा दिया जाता है, और जिनको हमारे द्वारा परित्याग कर दिया जाता है, और जिनका अपमान किया जाता है। तो पोएट ये कहता है रिमेंबर हु, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो सदैव ये ध्यान रखें कि वी हु टेक आर्म्स, जिनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, टेक आर्म्स, अपनी भुजाओं को उठाते हैं, अपने हाथ को उठाते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, प्रत्येक एक दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो वो हमारा अपना स्वयं का भाई ही हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल अवर हैंड्स ऑफ फायर एंड डस आउटरेज द इनोसेंस। तो पोइट ये कहता है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, यह हमारी, हम सब के मानव प्राणी, हम सभी मनुष्यों की यह पृथ्वी है, दैट वी डिफाइल, जिसको डिफाइल मीन्स मेक डर्टी और इम्प्रूव, जिसको कि हमारे द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसे धूमिल कर दिया जाता है, और हमारे द्वारा उस डस्ट को, उस पृथ्वी को, उस अर्थ को दूषित कर दिया जाता है। अवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज मीन्स ट्रीट वॉयलेंटली, यानी बहुत ही हिंसात्मक रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाना, और इनोसेंट मने जो कि बहुत ही मासूम होती हैं, छोटे होते हैं और मासूमियत जिनमें भरी हुई होती हैं, इस प्रकार के व्यक्ति। तो आवर हेल्स ऑफ फायर, यानी हमारे आँख, हमारे ये आँख और धूल रूपी नरक, जिसके के द्वारा हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, जहाँ पर कि हम सांस लेते हैं, आउटरेज द इनोसेंस, जो कि बिल्कुल ट्रीट वॉयलेंटली, जिनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, और जो कि बिल्कुल क्या होती हैं वो व्यक्ति, बिल्कुल इनोसेंस होती हैं, बिल्कुल भी मासूमियत लिए हुए होती हैं, उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, और सॉरी ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, और वह हवा जो कि प्रत्येक जगह है, और आवर ओन, और हमारे स्वयं, और हमारी अपनी ही है, और मीन्स हमारी स्वयं की हैं, हमारी अपनी ही हैं। रिमेंबर, तो पोइट ये कहता है सदैव यह ध्यान रखें, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति जो है वह विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए पराया नहीं है,
एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री कोई भी देश हमारे लिए स्ट्रेंज और अजनबी नहीं है, वो सभी हमारे भाई हैं, इसलिए हमें उनके साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। थैंक्स थैंक्स हेलो।